हाथ हैं तो साथ है, हाथ हैं तो बात है, हाथ हैं तो मुलाकात है, हाथ हैं तो अध्यात्म की सौगात है। हाथ का जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। जब ऐसा हाथ होता है, आशीर्वाद हो जाता है। ऐसा हाथ होता है, यह प्रहार हो जाया करता है। हाथ मिलाते हैं तो सामने वाला मिल जाता है, हाथ उठाते हैं तो सामने वाला दुश्मन हो जाता है, हाथ पकड़ते हैं तो पकड़े जाते हैं, और हाथ जोड़ते हैं तो हर किसी से जुड़ जाया करते हैं। आज मैं आपके बीच में, हाथों को जोड़ने की क्या कला है? हाथों को जोड़ने से मंगल ग्रह कैसे प्रभावित हो सकता है? आपका जीवन मंगलमय कैसे हो सकता है? हाथ तो सभी जोड़ते हैं, लेकिन याद रखना, हाथ जोड़ने की सही कला होती है। जो सही कला से हाथों को जोड़ते हैं, उनके जीवन में यही हाथ सबसे बड़ी धरोहर और ताकत हो जाया करते हैं। आज हाथों को जोड़िए, यह है जोड़ने की कला। जब हम हाथों को जोड़ते हैं तो साइंस कहता है कि आपकी नसें नसों से जुड़ जाती हैं। जब नसें नसों से जुड़ती हैं तो एक तरंग उठती है। यह तरंग मस्तिष्क से टकराती है और इसके प्रभाव से बुध ग्रह और गुरु ग्रह बलवान हो जाया करता है। इसके साथ जब दोनों हथेली टकराती हैं, हमारा मंगल प्रभावित हो जाया करता है। हर कार्य आपके लिए मंगल हो जाया करते हैं। जब हथेलियों पर दबाव पड़ता है, इससे भी मंगल ग्रह अपने आप प्रभावित होता है। तो मंगल से संबंधित दोष हैं, वह दोष भी अपने आप खत्म हो जाया करते हैं। जोड़िए जोड़िए भाई, जोड़िए। धन तो जोड़ते हैं, परिवार को जोड़ते हैं, समाज को जोड़ते हैं, रिश्तेदारों को जोड़ते हैं। जो आपसे मिलने वाला है, उसे मिलकर के आप उसे जोड़ने का प्रयास करते हो। लेकिन याद रखना, बस आप हाथों को जोड़ोगे, हर कुछ आपसे जुड़ जाएगा। बस संसार में जिसके सामने आपने हाथ जोड़ लिए, वह आपसे जुड़ जाता है। जो एक बार सच्चे मन से भगवान के सामने हाथ जोड़ लेता है, भगवान की शक्तियां उस भक्त से अपने आप जुड़ जाया करती हैं। आपने देखा होगा, जैन संत दोनों हाथों को जोड़ करके आहार ग्रहण करते हैं। जब संत दोनों हाथों को जोड़ के आहार ग्रहण करते हैं, सामने वाला श्रावक दोनों हाथों को जोड़ करके आहार दान प्रदान किया करता है। घर के सारे काम एक हाथ से होते हैं। आप भोजन एक हाथों से करते हो, सामान एक हाथ से उठाते हो, पैसा एक हाथ से गिना करते हो, मोबाइल एक हाथ से चला लेते हो। जैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचते हो, अपने आप दोनों हाथ जुड़ जाया करते हैं। जब भगवान के सामने हम अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं, उस समय दोनों हाथ अपने आप जुड़ जाया करते हैं। जिस समय हम भगवान के सामने आरती घुमाया करते हैं, उस समय अपने आप दोनों हाथ जुड़ जाया करते हैं। जब भगवान को नतमस्तक होते हैं, अपने आप दोनों हाथ जुड़ जाया करते हैं। जो भगवान के सामने दोनों हाथों को जोड़ देता है, हे भगवान मेरे हाथ हैं दो, इसलिए मुझे भी आशीर्वाद दो। हाथों को जोड़ने से आप जुड़ भी जाते हो। दो हाथ हैं, यहां से आपको अपने आप आशीर्वाद मिल जाया करता है। जीवन में अकड़ में खड़ा इंसान पेड़ की तरह
अकड़ में खड़ा रहता है, जब एक हवा का झोंका आता है तो वह जमीन पर धराशायी हो जाया करता है। इसलिए यहाँ पर जैन पद्धति में नमोस्तु शब्द आया है, नमः शब्द आया है, नमस्कार करना, हाथों को नहीं झुकाना, हाथ को ऐसे करके गर्दन को झुका करके प्रणाम करके जो नतमस्तक होता है उसे कभी सर्वाइकल नहीं होता है, उसे कभी थायराइड नहीं होता है, वह जीवन में हमेशा अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। इसीलिए प्राचीन पद्धति में नमस्कार करने की पद्धति है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने सबसे पहले रथ प्रण श्रावकाचार में प्रभु को नमोस्तु किया है, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्लात्मने साधुकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। नमस्कार करने की नमः समय सारा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार को नमोस्तु किया है, नमस्कार किया है। यहाँ पर उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी ने लिखा है मोक्ष मार्ग स्नि तारम हित तारम कर भूपृता ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद्गुण लब्ध है, मुझे प्रभु आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो इसीलिए आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, सारी शक्तियाँ बस मेरे से जुड़ सके, मेरे जीवन में आपके अलावा कोई नहीं है, मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ तो बस वह भी नहीं मिल पाता है क्योंकि मेरा हाथ सीधा होता है, सामने वाले का हाथ उल्टा हो जाता है, सीधे हाथों से कभी सीधे हाथ नहीं मिलते हैं, जब भी हाथ मिलेंगे तुम्हारा हाथ सीधा होगा तो सामने वाले का हाथ उल्टा होगा, एक ही बात कहेगा मैं आपके साथ सीधे नहीं चल सकता हूँ, जो मेरी प्रकृति है जो मेरी व्यवस्था है मैं उसी व्यवस्था के हिसाब से अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, बस आप सीधे चलिए बस मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, ऐसी भावना आज की दुनिया में होती है। हर माँ की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा हमसे जुड़ा रहे, हर दुकानदार की इच्छा होती है ग्राहक हमसे जुड़ा रहे, हर पत्नी की इच्छा होती है कि पति जीवन भर हमसे जुड़ा रहे, हर अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर के हर किसी को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये हमारी भूल है, जिसे हम जोड़ने की कोशिश करते हैं वो संसार में कभी जुड़ नहीं सकता है, यह तो जल से भिन्न है, कमल की स्थिति हो जाती है, कोई किसी का साथ नहीं देता है, लेकिन याद रखना जो भगवान के सामने दोनों हाथों को जोड़ लेता है भगवान का पावर भगवान की शक्ति जीवन भर तुम्हारा साथ दिया करती है, जब कोई साथ नहीं देता है तो जिसके सामने हमने हाथ जोड़े हैं वह जुड़ करके तुम्हारा साथ दिया करता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे प्रभुवर आते हैं, मेरे जिनवर आते हैं, मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये सबसे बड़ा काम आपके लिए यही है, सम्यक प्रणम में जिन पाद युवा, जब आपसे कोई बड़ा हो उसे प्रणाम झुक करके करना, दोनों पैरों को छू के करना, दोनों पैरों को ऐसे नहीं, यदि अपने से बड़े खड़े हों ऐसे छोड़ना, बैठे हों तो हाथों को सीधा कर लेना, इस तरीके से आप अपने से बड़ों को प्रणाम करोगे, इसका परिणाम अपने आप आपको आपके सामने मिलेगा। सम्यक रूप से आप भगवान को नमोस्तु करोगे, नमस्कार करोगे, आपके जीवन में चमत्कार अपने आप पैदा हो जाएगा। याद रखना नमोकार मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल महामंत्र हुआ करता है, इस मंत्र में एक बार नमस्कार नहीं किया, दो बार नमस्कार नहीं किया, तीन बार नमस्कार नहीं किया, चार बार नमस्कार नहीं किया, पांच पांच बार इस नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है, क्योंकि यहाँ पर नमो अरिहंताणम अरिहंत दिखे उन्हें भी हाथ जोड़ लेना, सिद्ध भगवान दिखे उन्हें भी हाथ जोड़ लेना, आचार्य परमिष्ठि दिखे उन्हें भी हाथ जोड़ लेना, उपाध्याय परमिष्ठि दिखे उन्हें भी हाथ जोड़ लेना,
तीन कम नौ करोड़ मुनराय दिखे उन्हें भी हाथ जोड़ के नतमस्तक कर लेना। जो पांचों परमिष्ठी को नमस्कार करता है उसकी पांचों उंगलियां घी में होती है और सिर कढ़ाई में हुआ करता है। जो आचार उपाध्याय साधु को देख के नमस्कार नहीं करता है वह अहंकार उसे नरक के द्वार पे लेके जाता है, क्योंकि ये नमोकार का सबसे बड़ा अपमान हुआ करता है। एक शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार का अपमान किया, वह सातवें नरक में गया। जो पंच परमेश्वरी को देख करके प्रणाम नहीं करता है, हाथों को नहीं जोड़ता है, सारी दुनिया उसे छोड़ दिया करती है, वह अंतिम समय ना तो नमोकार सुन सकता है ना फिर नमोकार पढ़ सकता है, क्योंकि आपने जोड़ा ही नहीं। अगर आप आचार उपाध्याय साधु को जोड़ते तो आपके साथ अंतिम समय तक जुड़ के रहते, बस आपने जोड़ा ही नहीं, छोड़ दिया तो आप अपने आप छूटते चले गए। जीवन में नमस्कार करना सीखो, जहां नमस्कार होता है वहां चमत्कार अपने आप पैदा हो जाता है। लोग कहते हैं शिखर जी में चमत्कार है, गिरनार जी में चमत्कार है, चंपापुरी में चमत्कार है, महावीर जी में चमत्कार है, पुष्पगिरी के पारसनाथ में चमत्कार है। मैं कहता हूं वहां तो चमत्कार है ही, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ नमस्कार करता है तो सामने विराजित प्रतिमाओं में चमत्कार अपने आप पैदा हो जाता है। एक समद्वद स्वामी ने एक पिंडी को नमन किया, पिंडी फट जाती है और चंद्र प्रभु स्वामी के दर्शन अपने आप हो जाया करते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी ने ऋषभदेव को प्रणाम किया, ताले टूट जाते हैं, भक्तामर स्तोत्र की रचना अपने आप हो जाया करती है। आप विचार कीजिए कि आपके जुड़ने में, आपके हाथ जोड़ने में कितना बड़ा अच्छा और चमत्कार हुआ करता है। ऐसा मौका आपको मिला है, यदि भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं भगवान के चरणों में इन दोनों हाथों से नतमस्तक हो जाना। नहीं करोगे एक समय ऐसा आएगा आपके दोनों हाथ पैरों में बदल जाएंगे, फिर आप त्रेंचों की तरह संसार में परिभ्रमण करते रहोगे। फिर आपके हाथ तो होंगे लेकिन हाथ तुम्हारे भगवान के सामने जोड़ने के काम नहीं, पैरों की तरह चलने के काम आएंगे। और आपके जीवन का जो उद्धार होने वाला था यह उद्धार नहीं आपको संसार के पतन की ओर ले जा सकता है। तो जीवन में इस तरीके से हाथ जोड़िए, ऐसे नहीं जोड़िए, इस तरीके से हाथ जोड़ करके सारे ग्रहों को ताकत मिलती है। मंगल ग्रह हो, बुध ग्रह हो, गुरु ग्रह हो, पांचों उंगलियों में हम लोग पांच पावर को देखा करते हैं, इसी में ही हम रत्नों को धारण किया करते हैं। जब इन हाथों को जोड़ करके रत्नत्रय के सामने नतमस्तक हो जाया करते हैं तो हमारा यह शरीर रत्नत्रयी हो जाता है, रत्नत्रय से अभिभूत हो जाता है, मन के अंदर एक अद्भुत शांति की प्राप्ति हुआ करती है। तो आप अपने अंदर धार्मिक आस्था का विचार ऊपर कीजिए, हाथ मत पिलाइए, हाथ मत उठाइए, हाथ मत पकड़िए, सिर्फ हाथों को जोड़िए, जुड़ के रहो। यही जोड़ आपको पैसों से जोड़ देगा, लक्ष्मी आपके संपर्क पर रहेगी, आप हमेशा प्रसन्नचित्त और आनंदित रहेंगे, क्योंकि विनयो मोक्ष द्वारो, विनय ही मोक्ष का द्वार है। इस द्वार से चलते चलते आप भी उस मोक्ष के द्वार को पा सके, यही मेरी भावना है। भक्तामर तीर्थ आपके बीच में तैयार हो रहा है, 6 दिसंबर से 11 दिसंबर उसकी प्रतिष्ठा है। मेरी यही भावना है, इतने समय तक हमने भक्तामर का पाठ किया, आराधना की, विधान किया, दीपार्चना की, बस वही प्रार्थना इस तीर्थ को साकार करने में कारण हो रही है। इतने समय से आपने भक्तामर 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 कहा, लेकिन आज आपके भक्तामर 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 कहने से भक्तामर तीर्थ का सृजन इस पूना नगरी में हो गया, पूना जिले के पास।
सुंदर सा स्थान है, जगह बड़ी नहीं है, लेकिन यह है भक्तामर तीर्थ आपकी आत्मा को जगा सकता है, आपके अंदर धर्म का बीजारोपण कर सकता है। जिस प्रकार से आचार्य मानतम स्वामी कारागृह में कैद रहे और एक बार उन्होंने भक्तामर को याद किया, कारागृह से मुक्ति पा ली, आज आपके बच्चे पूना में रह के कारागृह में कैद हैं, एक सर्विस के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, शनिवार रविवार को सिर्फ अपने परिवार से मिल पाते हैं, बाकी के समय सर्विस में लगे रहते हैं। तुम्हारे बच्चे धर्म से जुड़कर इस आत्मा को शरीर से मुक्ति दिला करके संसार के कारागृह से मुक्ति पा सके, धर्म से जुड़ सकें, अध्यात्म से जुड़ सकें और परमपिता परमात्मा ऋषभदेव के साथ नवग्रहों के नौ भगवान के दर्शन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। यहाँ पर अरिहंत भगवान भी हैं, 108 अरिहंत भगवान की मूर्तियों को दर्शन करोगे तो जीवन धन्य धन्य आनंदित और प्रसन्न चित्त हो सकता है। आपके लिए सुंदर सा मान स्तंभ है, आप देखिए ये मान स्तंभ आपके बीच में आपके मान को सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। पहली बार चिन्वानी के जैसा मान स्तंभ है जिसके ऊपर साक्षात आदिनाथ प्रभु हैं, मुनीश्वरनाथ भगवान हैं, शांतिनाथ भगवान हैं और पद्म प्रभु भगवान जो मान स्तंभ पर विराजमान होकर के इस पंचम काल में भक्तामर रूपी चिन्वानी को शोभायमान करेंगे, क्योंकि एक ही मेरा सपना है घर घर भक्तांबर, हर घर भक्तांबर, ऐसी भावना के साथ मैं आपको जोड़ रहा हूँ। भक्तामर तीर्थ वहीं पर ही मैं इस साल का चातुर्मास कर रहा हूँ, 28 जुलाई को कलश की स्थापना है। अगर आप वास्तव में भक्तामर को मानते हो, भक्तामर से जुड़े हो, तो मैं चाहता हूँ एक बार हाथ जोड़ने के लिए भक्तामर तीर्थ पर अवश्य आइए और अपने जीवन को भक्त बना करके अमरता की ओर लेके जाइए, यही मेरी भावना।